हम दलितों की इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं भी तो एक दलित हूं दलित जात से थोड़ी कोई होता है दलित तो एक गरीबी से जो महिलाएं सताई जाती हैं, जो गरीब सताए जाते हैं वही एक दलित हमारा देश पुरुष प्रधान था लड़के का को कोई बहिष्कार नहीं करता लड़कियों को करता है। लड़की पैदा हो गई तो लोगों को दुख बहू आ गई काम नहीं किया तो दुख और नारी नारी की ही दुश्मन है सबसे ज्यादा नारियों के लिए ही यह संगठन बनाया गया है कि पहले नारी जागृत हो इसलिए जरूरत थी कि गुलाबी गैंग बनना चाहिए महिलाओं का एकता होना चाहिए और हर गांव में संगठन होना चाहिए गाँव नहीं बचना चाहिए पुलिस अगर गुंडा है तो हमारे हाथ में दंडा है पुलिस अगर न्यायी है तो वो हमारा भाई है असा नारा देत उत्तर प्रदेश गाजवून सोडून देशभरात लक्षवेधी ठरलेल्या संपतपाल देवी त्यांच्या गुलाबी गँगबद्दल सर्वत्र कुतूहल आहे आज आपण जाणून घेणार आहोत त्यांच्या एकूण गुलाबी गँगच्या निर्मितीच्या प्रवासाबद्दल हमे बताये की आपने ये गँग क्यू सुरू की देखिए मैं उत्तर प्रदेश की हम जिल्हा बांदा उत्तर प्रदेश चितकोट और मैं जो ये महिलाएं आज मैं एकजुट किए हूँ सबको तो वो उसमें क्या था कि महिलाएं अशिक्षित थीं पढ़ी लिखी नहीं थी पहले हमारे यहाँ इतने स्कूल भी नहीं थे आज भी हैं तो उतने स्कूल अच्छे नहीं हैं पर पढ़ती हैं लड़कियाँ लेकिन उनका थोड़ी से आत्मनिर्भर बनाना संगठन की बहुत ज़रूरत है तो हमने जो ये संगठन को तैयार किया है और डंडा उठाया है जो लोग गुंडे गर्दी करते थे पुलिस वाले सुनते नहीं थे और उल्टा महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे इसके लिए हमने डंडा उठाया हमारा आज भी नारा है कि जोधकारी गुंडा है तो हाथ हमारे डंडा है जोतकारी न्याय है वही हमारा भाई है काम करे तो बात करेंगे नहीं तो डंडा चार करेंगे ये हमारा आज भी है रिवैया और रहेगा मैंने सोची कि मैं सदस्य ऐसे नहीं बनाऊंगी जब उनकी खुद की जिज्ञासा तो हम सदस्य बनाएंगे यही आए दिन हत्या आए दिन हत्या मैं संपत पाल हूं और मैं एक महिलाओं का संगठन चलाती हूँ जैसा लड़ाई में चप्पल टूट गए वो ताकत मैं पैदा करूँ जो कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हीं को हम ये ये चीज़ें बताते हैं और उनको उनको एक सलाह देते हैं कि आप कानून का उल्लंघन न करो हमारे देश का संविधान है हम अपने संविधान का पालन करते हैं पर आज देखते हैं कि कानून के धजियाँ उड़ाए ये रख दिया जो इनके सिपाही कानून के हैं चाहे वो कोई भी हो कोई भी इंसान हो महिलाएं दर दर की ठोकर खाती रहें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रहती हैं उल्टा उन्हीं को कहा जाता कि तुम तुम्हारे में कमी थी चाहे वो महिला आयोग हो या मानव अधिकार आयोग हो वो बिचारी हर जगह ठोकर खाती रहती है और कागज में सजाए बैठे हैं कि नारी शिक्षा सुरक्षा नारी शिक्षा सुरक्षा के बारे में उनको ये अकल नहीं है कि कैसे सुरक्षित हो सकती हैं जब तक वो स्वलंबी नहीं होती उनके हाथ में हुनर नहीं होता तो वो कैसे सुरक्षित रह सकती हैं अगर एक रोटी उन्हें तलाशना है तो दूसरे के सहयोग से तो वो तो ग़ुलाम बनेंगी तो हमारा बस यही है कि शिक्षित बनो निर्भर बनो स्वालंबी बनो और डरो नहीं जो डर गया वो मर गया डरने की यहाँ कोई बात नहीं बहुत अच्छी बात है लेकिन जिस जाति भेद की वजह से आपने ये लड़ाई शुरू की वो जाति भेद आज भी आपको है ऐसा लगता है देखिए अब ज़्यादा नहीं है हम लोगों को समझाते भी हैं हमारे साथ गुलाबी गैंग में हर जात की महिलाएं होती हैं ब्राह्मण भी हैं ठाकुर भी हैं एससी भी हैं मुस्लिम भी हैं हम सबको बताते हैं कि हमारे संगठन में जो भी रहेगा हम ये सब भेदभाव हटाने के लिए संगठन को बनाया है छुआ छूत हटाने के लिए अगर एक दूसरे महिला से पहरेज कर रही हो कि हम इसका छुआ नहीं खाएंगे इसके साथ नहीं बैठेंगे तो मैं कहती तो तु, ये तुम गुलाबी गैंग का पिटारा मत पिटो पी, हम उनको नहीं रखते अपने साथ सबको पहले प्रशिक्षण देते हैं उनको सही चीज़ का पाठ पढ़ाते हैं और तब मैं उन महिलाओं को रखती हूँ अपने पास ये नहीं कि मैं हमने साड़ी पहन लिया डंडा उठा लिया तो बन गया गुलाबी गैंग पहले वो प्रशिक्षण लेती हैं पहले तो जातवाद हटाओ भेदभाव हटाओ धर्म के नाम से नाटक ना करो धर्म हमारा दिल में धर्म है हमारा ये जो जो हम करते हैं वही एक हमारा यही असली धर्म है जो गरीबों की रक्षा करते हैं गरीब बेटियों की शादी करते हैं गरीब लड़कियों को पढ़ाते भी हैं हमारा अस्पताल भी एक खुला है मेरे स्कूल भी चल रहे हैं और मैं महिलाओं का भी स्कूल जो अनपढ़ महिलाएँ हैं वो कहीं नहीं जा पाती कभी नहीं स्कूल को देखा तो मैं एक महिला जी हाँ हाँ गाँव गाँव गाँ, मैंने ऐसा स्कूल नहीं खोला उनके घर में स्कूल खोला कि तुम दस महिला मिलकर पढ़ो बहुत अच्छी बात कर रही है आप लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी भी हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और 21वीं सदी में है हम फिर भी अत्याचार तो कम नहीं हुए हैं तो हर जगह हर गांव में ऐसी गैंग बनाना चाहती है आप देखिए इसी तरह तो धीरे धीरे हर जगह हो गया मेरा झारखंड में हुआ मैं छत्तीसगढ़ में हुआ तमिलनाडु में है आपके कर्नाटक में है ही है और ये मेरा हर जगह संगठन उत्तर प्रदेश से ये चला है खास करके बुंदेलखंड से तो आज मेरा संगठन हर जगह पहुंच रहा है और मैं चाह रही हूँ कि महिलाएं मुझे सपोर्ट कर रही हैं और मैं महिलाओं का प्रशिक्षण दे रही हूँ मैं चाहती हूँ कि आज ये जो पार्लियामेंट में महिलाएं पहुँचना चाहती हैं इनका मैं आरक्षण की भी मांग किया है कि आप चाह लें तो हमारा आरक्षण देने में कोई इन्हें देर नहीं हर महिला को एकजुट होना चाहिए बस हमारा आरक्षण हम आधे हैं हमको मिलना चाहिए हमें पार्लियामेंट तक जाना चाहिए और उन नेताओं को मैं बता रही हूँ कि वो अगर महिलाओं की इज्जत नहीं करेंगे तो कल के दिन सारी महिलाएं जागरूक हो रही हैं और वो अपने अधिकार को छीन के ले लेंगी मांग के नहीं बल्कि छीन के ले लेंगी ये धीरे धीरे आ रहा है हाँ। मीरा कर फाइव ई बाइक तेरा हून अधिक वर्ष पारक ले ली कि रूपए त्रेचालीस हजार पास शुरुआत महीना चौट्रोल इत का ई एम श्रीमान एंटरप्राइजेस शॉप नंबर एक कन्डा भवन शेख हॉस्पिटल समोर रामदेव होटल नजीक नेहरू नगर संपर्क नौ चार चार नौ आठ एक नौ नौ तीन दोन और मैं ये आपको इसलिए पूछ रही हूँ कि हमारी संस्कृति सिखा है कि किसी को मारना किसी को पीटना किसी की धुलाई करना ये हमारी संस्कृति नहीं है तो इसके बारे में आप मैं क्या ये, ये संस्कृत मानने वाले को बताना चाहती हूँ कि हमारा संस्कृत असली में है क्या ऐसा क्यों करते हैं एक संस्कद का नाम लेके एक धर्म का नाम लेके महिलाओं के साथ शोषण महिला लड़कियों के साथ बलात्कार पुलिस अनदेखी करती है जब महिलाएं अपना दर दर का ठोकर खा खा के पुलिस के दरवाजे खिचखिटाती हैं तो दांत दपट के भगा देते हैं तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए डंडा सिखाना चाहिए कि संस्कृत सिखाना चाहिए हमने ये सीखा हम चाहते हैं कि अगर हमें सम्मान देंगे तो हम तुम्हें चार गुना सम्मान देंगे अगर हमें तुम सम्मान नहीं दोगे तो हमारी संस्कृत वही है जो ईंट का जवाब पत्थर से हमें देना चाहिए बहुत अच्छी बात है फिर पहले आपसे पुरुष इतने जुड़े नहीं थे अभी पुरुष आपके साथ है हमारे साथ अब हर पुरुष जुड़ रहा है धीरे धीरे करके उन्हीं की तो बहन बेटी है उन्हीं के साथ तो सो होता है वही तो लेके आते हैं हमारे पास कि दीदी हमारी बहन को ससुराल वाले नहीं रखते या हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ हुआ या हमारी बेटी सुसाइड कर गई तो वही लोग तो आते हैं तो हम उनको भी बताते हैं कि बताओ जिस पराई बेटी का दर्द नहीं जानते हो अपनी बेटी के साथ हुआ तो, तो तुमको कैसे लग रहा है तो उनको महसूस हो रहा है कि सही बात है ये दर्द सबका एक है कानून का कानून का या तो अपनी गैंग का कभी महिलाएं फ़ायदा भी उठाती है नहीं जो महिला हमारे जो मेरे कानून को तोड़ती हैं गुमराह करके झूठ जैसे वो गलत है और पुलिस अधिकारियों के पास गलत न्याय मांगने जाती हैं तो अब वहाँ से भी फ़ोन आता है कि दीदी ये क्या बात सही है तो हम खुद कह देते हैं पहले विवेचना करो विवेचना अगर कर लो अगर वो सही है तो उनका काम कर देना अगर वो झूठ करने आई है तो मैं उसका साथ नहीं देती मैं झूठ का साथ नहीं दे रही हूँ चाहे वो मेरी गुलाबी गैंग की महिलाएं हों चाहे मेरे रिश्तेदार हों चाहे मेरे घर के आदमी कसना हो मैं गलत का साथ नहीं देती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में गलत नहीं कर सकती अभी आपको और एक बात मैं ऐसी पूछना चाहती हूँ आप सभी भारतवासियों की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती मैं एक बात पूरे विश्व की महिलाओं को देना चाहती हूँ कि ये जो औरतें हैं ये औरत का सम्मान सीखें बेटी पैदा करने में उन्हें खुशी होनी चाहिए बेटी पढ़ा पढ़ाने के लिए उन्हें खुशी होनी चाहिए और जो बेटियों की खुशियां हैं उनको नहीं छीनना चाहिए बेटियों को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी पढ़ाई लिखाई है हमें पहले पढ़ना लिखना चाहिए हमें आगे बढ़ना है तो हमें गलत काम नहीं करना इसलिए आजकल की लड़कियां लव मैरिज बहुत जल्दी कर लेती हैं वो अपने आप को नहीं समझती कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं लव मैरिज कोई बुरी बात नहीं है राजा राजणों में भी होते थे लड़की का अपना पति चुनने का हक हाँ है पर लड़कियां कभी कभी धोखा खा जाती हैं जो गलत पति चुन के बैठ जाती हैं फिर वो दर दर की ठोकर खाती है ऐसी लड़कियों को भी मैं संदेश देना चाहती हूँ कि हर चीज़ को सोच समझ के करना है इसलिए ये देश को हमारे औरतें ही संभाल पाएंगी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी गुलाबी गैंग को भी और आपको भी आपकी पूरी सभी कामनाएं पूरी हो मैं तरुण भारत सोशल मीडिया की तरफ से और तरुण भारत प्रेस से आपको बहुत, -बहुत शुभकामनाएं देती देत दे मान तर घे मान या सूत्रानुसार संपत देवी यांचा सगळा प्रवास सुरू आहे आलात तर सह नाही तर शिवाय असं म्हणत म्हणत ईट का जबाब पत्थरसे देत त्या पुढे जात आहेत त्याचवेळी तुम्ही महिलांचा सन्मान करा महिला तुम्हाला अधिक सन्मान देतील असं सांगत ह्या जगामध्ये परिवर्तन हे महिलांच्याकडूनच होणार आहे असा संदेशही त्या देतात कॅमेरामन कुमार सह मी मनीषा तरुण भारत सोशल मीडिया टीम सबस्क्राईब करा तरुण भारत डेली बेलगाम न्यूज चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर वर क्लिक करा